जीवा में देर रात अचानक पंजाब नेशनल बैंक का सायरन बजने से हड़कंप मच गया। वहीं लगातार बैंक का सायरन बजने से स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी मिली। जानकारी मिलने पर खटीमा कोतवाली पुलिस बैंक में कुछ अनहोनी की आशंका के चलते आनन फानन में बैंक के पास पहुंची। बैंक में ताले जड़े होने पर बैंक अधिकारियों को मौके पर बुला। पुलिस ने बैंक खुला सायरन के बजने की पड़ताल की। इस दौरान बैंक में अधिकारियों व पुलिस की पड़ताल में पता चला कि तकनीकी खराबी होने की वजह से बैंक का सायरन बजने लग गया था। फिलहाल बैंक में सब कुछ सकुशल पाए जाने पर पुलिस व बैंक अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। नेशनल बैंक का सायरन बज गया था और जिसे जो है फिर मेरे द्वारा बैंक मैनेजर को फोन कर बुलाया गया और हमने अंदर चेक कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तकनीकी खराबियों की वजह से या फिर जो है जनरेटर बीच में चला था और ये लाइट जो है जली हुई है, संभवतः तो ऐसा लगता है कि जनरेटर ने ऑफ किया, लाइट ऑफ नहीं की, और हो सकता है इस कारण जो है सायरन बज गया। सर अभी मैं घर पे लेटा ही हुआ था तो गार्ड साहब ने मुझे बताया कि सर सायरन बज गया है बैंक, और जो है बैंक को पुलिस आप फौरन आइए, और जो है मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तुरंत मैं आ गया। CEO साहब भी थे, हमने अंदर देख लिया, ऐसी बात नहीं। जिस वक्त जब बंद किया था तो उस वक्त जनरेटर लाइट नहीं थी, जनरेटर लाइट चल रही थी, तो जनरेटर जो है कि लाइट ऑफ किया और हम लोग बंद करके चले गए। बाद में जो लाइट आई तो लाइट जल गई, इस वजह से जो है वो ये हुआ सर, और कोई बात नहीं। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए खटीमा से दीपक फुलेरा की रिपोर्ट।